हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका जैन। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने एमएस वर्ड 2007 में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा। ये देखिए, हम इंसर्ट टैब में गए। वहाँ पे हमारे पास इलस्ट्रेशंस नाम के ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नाम के ब्लॉक में पिक्चर्स का एक ऑप्शन दिखेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, दिख गया, ये हमारे पास पिक्चर्स का एक ऑप्शन है। इस पर हमने क्लिक करा, वैसे ही हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई कि कहाँ से आप अपनी जो है पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास पिक्चर्स हैं डाउनलोड फाइल्स में, इनमें से ये रही मेरे पास पिक्चर्स। तो इनमें से जौन सी पिक्चर आप या कहीं से भी फ्रेंड्स आप पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, बस इस पर क्लिक करें, देन इंसर्ट का ये ऑप्शन आपको दिखेगा। फ्रेंड्स, इस इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें और देख सकते हैं हमारे पास हमारी पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई है। इसे आप रीसाइज कर सकते हैं। अगर देखिए, जैसे आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप ऐसे एक कॉर्नर से, ये देखिए हमारे पास ये डॉट दिख रही हैं, ऐसे कॉर्नर से पकड़ के आप इन्हें छोटा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, इससे अगर हम बिल्कुल कॉर्नर से पकड़ते हैं फ्रेंड्स, तो उससे हमारे पास दोनों साइड से इक्वली छोटी होती चलती है इमेज। ये देखिए, अगर मैं साइड से पकड़ रही हूँ तो ये इस साइड से छोटी होगी फ्रेंड्स, अगर मैंने ऊपर से पकड़ा तो ये ऊपर से, नीचे से पकड़ा तो ये, ऐसे करके पिक्चर हमारी बड़ी या छोटी हो सकती है फ्रेंड्स। तो आज हमने क्या सीखा फ्रेंड्स? आज हमने सीखा कैसे हम अपने एमएस वर्ड 2007 में किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब में जाना होगा। कहाँ? इंसर्ट टैब में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस नाम के ब्लॉक में। इलस्ट्रेशंस नाम के ब्लॉक में पिक्चर्स का जो हमें ऑप्शन दिखेगा वहाँ क्लिक करेंगे। देन वो हमसे पूछेगा कहाँ आपकी जो है फाइल सेव है, हमने वो वहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हमने क्लिक किया फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमारे पास पिक्चर्स ओपन हो गई। पिक्चर्स ओपन हो गई तो फिर आप जो भी पिक्चर चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देन इंसर्ट, ये देखिए हमारे पास एक सेकेंड पिक्चर भी इंसर्ट हो गई, इसे भी आप जो है रीसाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे मैंने इसे रीसाइज कर दिया, ये देखिए इसे आप कैसे भी बड़ी या छोटी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। और इसके बीच में आप दोनों के बीच में स्पेस चाहते हैं तो कुछ नहीं, नथिंग, यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करिए और ये देखिए हमारे पास पिक्चर्स के बीच में शेप, पिक्चर्स के बीच में स्पेस आ गई है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये पिक्चर इंसर्ट की क्लास समझ आई होगी। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए और दिए हुए टेस्ट को सॉल्व करिए। सो थैंक यू क्लास।